बीसीएल एवं बीटीबी ग्रुप के संस्थापक माननीय सिराज भाई शेख के जन्मदिन में निशुल्क स्वास्थ्य जांच महाशिविर का आयोजन गुरुवार सुबह 9 बजे से महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल कामगार कल्याण भवन राजी रघुजी नगर नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रमुख अतिथि के रूप में सुधाकर कोहले, पूर्व पार्षद एडवोकेट अभिजीत बंजारी, भाजपा प्रवक्ता गिरीश व्यास, नगर सेवक सतीश होले, पूर्व सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। बीसीएन एवं बीटीबी ग्रुप के संस्थापक माननीय श्री सिराज शेख इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजे रघुजी नगर स्थित महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल कामगार कल्याण भवन में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं भव्य मुफ्त चश्मे का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। इस दौरान प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सुधाकर कोहली, एडवोकेट अभिजीत वंजारी, भाजपा प्रवक्ता गिरीश व्यास, नगर सेवक सतीश होले, डॉक्टर अविनाश कावंडे, पूर्व सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, विकास महात्मे सुनील मानेकर, परशु ठाकुर, नगर सेवक गुड्डू तिवारी एवं ताजाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान उपस्थित थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दूर दराज से लोग आए हुए थे। उन्होंने स्वास्थ्य शिविर का भरपूर मात्रा में लाभ भी उठाया। इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग नागपुर मेट्रो समाचार और एनबीसी न्यूज के डायरेक्टर इमरान शेख, साथ ही कार्यक्रम के बागडोर स्वप्निल बुंधाड़े ने निभाई। इसके साथ ही प्रशांत बर्ना के, संजय लहाने, सतीश राठौड़, बीसीएन एवं बीटीपी ग्रुप के कर्मचारियों का विशेष सहभाग रहा। इस दौरान सूर्योदय हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया, तो वहीं सार्थक बहुदेशीय संस्था द्वारा नेत्र जांच एवं निशुल्क चश्मों का वितरण किया गया। एसएचए कैंसर हॉस्पिटल द्वारा कैंसर निवारण केंद्र द्वारा मार्गदर्शन किया गया। गौरतलब रहे कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति देखी गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, रूपा पंडित, बीसी न्यूज, नागपुर। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सिराज भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देता हूं और अल्लाह ताला करे कि उनकी उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा हो। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं चाहता हूं कि हर बिजनेसमैन ने इसी तरह से गरीबों के अपने जन्मदिन पे इस तरह से कैंप लगा के हेल्प करनी चाहिए। धन्यवाद। आज बड़े खुशी की बात है, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, मित्र, सामाजिक कार्यकर्ता और बीसीएन चैनल के संचालक माननीय सिराज भाई शेख, इनका जन्मदिन है। मैं सिराज भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ही लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन सिराज भाई की खासियत है वो व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक काम करना उनके खून में लगा हुआ है। मैं गत 7 साल से उनके जन्मदिन पर आते रहा हूँ। उनके जन्मदिन पर हजारों लोगों का नेत्र तपासनी हो, डेंटल चेकअप हो, कैंसर चेकअप हो, जनरल चेकअप हो, ऐसा हजारों लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए वो अच्छा 2 दिन का 4 दिन का शिविर लेते हैं, चश्मे का वाटप करते हैं। यानी सामाजिक क्षेत्र में समाज का स्वास्थ्य ठीक रहे इसका भी ध्यान रखने वाले मेरे सिराज भाई, जिनका आज जन्मदिन है, उनके प्रति उनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह को विनंती करता हूँ मेरे सिराज भाई को दीर्घ उम्र मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे और समाज की सेवा उनके हाथों से होती रहे, उनका व्यवसाय में बरकत होती रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप जियो हजारों साल और दिन के साल के दिन हो, 50,000 ऐसा जो बोला जाता है वो सिराज भाई के लिए बिल्कुल ठीक होगा। धन्यवाद। माझं नाव दिलीप बाबाराव देशमुख, लक्ष्मी कलश अपार्टमेंट, रघुजी नगर, नागपूर। आज हा जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे हे श्री सिराज भाई यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित केलेला आहे। ते प्रत्येक वर्षी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करतात आणि हा गोर गरीब आणि सर्वसाधारण लोकांसाठी खूप चांगला उपक्रम आहे आणि हजारोच्या शेकडोच्या संख्येने इथे लोक यांचा लाभ घेतात आणि त्यांना आशीर्वाद देतात। भाऊराव महाले, LED कॉलेज चौक, त्याचं उर्फ नाव आहे गांधीनगर चौक। फार चांगला उपक्रम आहे आणि सर्वांच्या गोरगरिबाच्या फायद्याचा आहे। मी तर म्हणतो असे प्रत्येक मोहल्ल्यामध्ये कार्यक्रम व्हायला पाहिजे। माणसं किती हे राहते, कोणाला पैसे राहते कधी नाही राहत। फॉर एक्झाम्पल, माझा चष्मा तुटला, माझा पाय पडला, मी पेपरवर जात म्हणून माहीत झालं म्हणून आलो। आणि ज्यांनी हा प्रोग्राम अरेंज केला
ज्याने हा प्रोग्राम अरेंज केला त्यांना लाखो शुभेच्छा। शिबिरमध्ये आम्हाला आमच्या घरोघरी पत्रकं वाटण्यात आली, त्यामुळे मी इथे आले आणि मला सुद्धा फार गरज आहे चष्म्याची आणि मला डोळे तपासायला माझ्याकडे माझी परिस्थिती नसल्यामुळे मी इथे आलेली आहे। मला माझ्याकडून ना सगळ्यांना शुभेच्छा, कारण माझं काम माझी परिस्थिती नसल्यामुळे मी इथे येऊ शकले हे मला खूप चांगलं वाटत आहे। आमच्यासारखे असे पुष्कळ असे गरजू लोक आहेत जेणेकरून त्यांची गरज भागवल्या गेले आणि मला तरी असं वाटतं की ते होत आहे, तर मला खूप छान वाटत आहे। माझ्या सगळ्यांना शुभेच्छा आहे, लोकांना ज्यांनी हे प्रोग्राम जाहीर केलेला आहे त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा माझ्या। मी सुरेश उमाठे नंदनवन नागपूर इथून आलो आहे आणि आज मला लोकमत समाचारमध्ये आढळलं की इथे आणि डोळ्यांचं वगैरे शिबिर आहे, म्हणून मी म्हटलं चला बघूया आणि आपण आपल्या डोळ्याची तपासणी करूया म्हणून आलो इथे। आणि हा चांगला उपक्रम आहे तसं पाहतो म्हटलं तर, कारण की असं आहे की साधारणतः बरंचदा काय होतं की आता मोठे मोठे हॉस्पिटल्स आहेत तिथे जसं फ्री होतं जातात, पण काय होतं काय तिथे तासन तास उभं राहावं लागतं बसावं लागतं। आणि आता आमच्यासारखे जे लोक आहेत ना तर काय आहे की थकून जातात आणि मग वाटतं की काय याच्यापेक्षा न केलेलं बरं, पण आज मला आढळलं की इथे नेत्रशिबिर आहे म्हणून मुद्दाहून आणि आवर्जून इथे आलो आहे। आणि इथे बघून मला फार चांगलं वाटतं की इथे प्रत्येक ठिकाणी अलग 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 आणि रांगा आहेत आणि असं काही रांगेमध्ये जास्त उभारायची गरज नाही, त्यामुळे फार मला आनंद झाला आहे। आणि ज्यांनी काही जे आता ज्यांनी हे जसं आता उदाहरणार्थ हे ज्यांनी शिबिर आयोजन केलं आहे त्यांचं खरंच आणि आभार मानायला पाहिजे की त्यांनी निःशुल्क असं शिबिर जसमाच नाही पण अजूनही इतर याच्याकरता त्यांनी केलेलं आहे, असंच उपक्रम त्यांनी आणि करत राहावा अशी माझी त्यांना शुभेच्छा। आज माननीय सिराजभाई शेख BCNचे संचालक आणि डायरेक्टर, आज त्यांचा वाढदिवस आहे। हर वाढदिवस त्यांचा मोफत शिबिर द्वारे आम्ही आयोजित करतो हर ठिकठिकाणी। हा कॅम्प 10-12 वर्षापासून हर ठिकठिकाणी हर हॉलमध्ये चालू आहे। सिराजभाई शेख हे गरिबांसाठी मोफत चष्मे वाटप, मोफत हेल्थ कॅम्प चेकअप आणि सर्व प्रकारचे इथे आयोजन केले जाते, रक्तदान शिबिर सर्व आहे याच्यात। ते आपला वाढदिवस जे आहे हे गोर गरीब जनतामध्ये हे इथे साजरा करतात आणि त्यांना मी आज इथे वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देते। BCN चॅनलचे जे संस्थापक आहेत शेख सिराज शेख त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा शिबिर आयोजित केलेला आहे आणि कॅन्सरसारख्या बिमारीवर सहसा स्त्रिया जात नाहीत चेकअपसाठी, तर मोफत शिबिर आहे हा, तर स्त्रियांकरता चांगला आहे, चांगलं म्हणजे त्याच्यावर त्याचा फायदा घ्यायला पाहिजे लोकांनी महिलांनी। आणि डोळ्यांची तपासणी आहे, बाकी इतर पण आरोग्य तपासणी इथे होत आहे, तर सगळेजण येत आहेत इथे उपयोग घ्यायला। आज मैं सिराजभाई के बर्थडे निमित्त जो शिबिर आयोजित किया है इसको विजिट देने आया, मैं सिराजभाई को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि अपना बर्थडे उन्होंने एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करके किया हुआ है। ये तरीका बहुत अच्छा है बर्थडे मनाने का, ताकि लोगों तक के लोगों की सेवा भी करने का होता है और उनकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मैं नागपुर मेट्रो समाचार, जिसकी वजह से लोकल न्यूज़ सभी लोगों तक के पहुँचती हैं, वैसे ही BCN जो है जिसके जरिए नागपुर, विदर्भ, छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा यहाँ तक के हम पहुँच पाते हैं और लोकल न्यूज़ पे ज़्यादा जोर होता है, तो इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी टीम को, जिनकी वजह से हमें सभी खबरें और सच्चाई पता चलती है। तो मैं सिराज भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद कहूँगा और सभी लोगों को जिन्होंने एक टीम बनकर एक स्वास्थ्य शिबिर आयोजित किया उनको भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद। हाँ, अभय प्रकाश घिके आहे, मी नंदन कॉलनीमध्ये आलो आहे सिराज भाई यांच्या वाढदिवसा प्रित्यर्थ। आज ते शिबिर लागलेलं आहे, मी पण इथे डोळे तपासासाठी आलो आहे, BP शुगर या गोष्टीसाठी आलो आहे, याचा सर्व लोकांनी लाभ घ्यावा अशी मला सर्व नागरिकांना विनंती आहे, धन्यवाद। माझं रमेश विश्वनाथ प्रांजळे नाव आहे, मी चक्रपाणी नगरमधून आलेला। या सिराजभाई शेख यांचा जन्मदिवसानिमित्त इथं शिबिर काढलेलं आहे,
इथं गरीब मुलांसाठी मोठमोठे एक्सरे वगैरे कॅन्सरचा सगळ्या प्रकारचा मोफत सल्ला दिला जातो. न औषध वगैरे फुकटात होतात तरी तुम्ही सगळ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा. कलना मार्केट के पीछे विजयनगर से आया हूँ और मैं अपने पूरा शरीर का चेक कराने के लिए आया हूँ. जिस वजह से शिविर का आयोजन किया गया है गरीब लोग के लिए बहुत अच्छा है. मी माझं नाव प्रशांत तिरोडे. हे जे मोहम्मद भाई सिराज काम करता है खूप छान काम करता है आणि याच्यामध्ये गोरगरिबांसाठी जे मोठे मोठे रक्तदान हे शिबिर वगैरह लावला आहे. चांगल्या चांगल्या चाचण्या होतात आहे आणि चष्म्याचा मुफ्त वितरण होता है. डोळे तपासणी वगैरह छान करता है ते लोक. हा एक उपक्रम यांनी खूप सुंदर म्हणजे राबवलेला आहे. सुनंदा तलमले सिरसपेठ तेलीपुरा नागपूर. सिराजबाई शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त गोरगरिबांसाठी मोठमोठ्या हजारांवर शिबिर आयोजित केलेलं आहे. त्यासाठी धन्यवाद. पुढेही असे शिबिर त्यांनी आयोजित करावं हीच माझी विनंती आहे. सर्वांना अभिनंदन. सर्वांना अभिनंदन. जे कार्यक्रम केलेला आहे तो चांगला छान आहे. ये कार्यक्रम रखे शिबिर वो गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है. उसमें आँखों का बीपी शुगर जो भी अपने को ये है उसका कार्यक्रम बहुत अच्छा है. इसलिए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद. आज हंस लक्ष्मण खड़से मुक्काम खरसोली तहसील जिला नागपुर. शिविर के बारे में मैं खरसोली से जो आ रहा है वो आँखें से दिखता नहीं और गरीब का वो जो शिविर हो रहे उसके लिए मैं यहाँ पहुँचू. ये सबके लिए उपयोग है उसका धन्यवाद दे रहा हूँ. यहाँ जो निःशुल्क जांच हो रही है महंगी महंगी जांच हो रही है इसका लाभ उठाए. और सिराज गरीब गुजारों के लिए बहुत अच्छा सिराज भाई ने ये इंतजाम किया है. आपका सिराज भाई धन्यवाद. हाँ मेरा नाम मनीष ढेकलू घोड़ा में. यहाँ पर मैं शेख भाई शिविर में आया हूँ. यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छा है. यहाँ पर मैं आँखों का फ्री इलाज हो रहा है और यहाँ पर मैं गरीब लोगों को मुफ्त चश्मा बांटा जा रहा है. यहाँ पर मैं बहुत ही महंगी जांच हो रही है ये फ्री में यहाँ हो रहा है और ये गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है. मेरा नाम है अजीजा शेख. यहाँ पे जो शिविर भराया है रियाज शेख ने बहुत अच्छी बात है. और यहाँ पे जो मतलब है जो फ्री में हो रहा है गरीबों के लिए इसके लिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया है. और आपको मेरे तरफ से उनका सलाम और शुक्रिया. माझं नाव शारदा पवार आहे आणि दरवर्षी सिराज भाई म्हणजे वाढदिवसाच्या निमित्तानं शिबिर घेत असतात. प्रत्येक म्हणजे एकच नाही नेत्र शिबिरच नाही तर प्रत्येक शिबिर ते घेतात आणि गरीब गरजू लोक त्याचा फायदा चांगल्या प्रमाणे घेत असतात. तर हा शिबिराचा फायदा सगळ्यांना. मी प्रेमा धवल बोलते आहे. मी सकाळी जेव्हा पेपर वाचला त्यावेळेसच मला कळलं की निःशुल्क इथे सगळी सेवा होते शिबिरामध्ये. तर मी रामनगरहून इथे आले आहे आणि मला खूप असं चांगलं वाटलं की इथले डॉक्टर्स सगळे खूप चांगले आहेत आणि इथले वर्कर्स देखील जे कोणी आहेत ते खूपच चांगले आहेत. कारण ते प्रॉपर गाईड करतायत आम्हाला. कारण प्रत्येकाला एकदम भीती वाटते ना की बा यायच्या वेळेस की कुठे काय करायचं. तर हे लोक खूपच चांगले लोक आहेत. मेरा नाम डॉक्टर सुधीर गुप्ता अधिष्ठाता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर. आज सिराज भाई के जन्म दिवस पर मैं उनको दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ. और आपने जो मेडिकल कैंप लिया इसके लिए भी मैं सिराज भाई को तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आज अपने जन्म दिवस पर मेडिकल कैंप लिया. इस मेडिकल कैंप में अगर किसी पेशेंट को कोई शस्त्रक्रिया या और भी कुछ इलाज लगता है उसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग इन ऐसे पेशेंट को मेडिकल में भेजिए और मैं उसकी जो भी सेवा हो सकती है वो करने के लिए तत्पर हूँ. गुड्डू तिवारी जो हमारे साथ हैं उसे जाना चाहेंगे. सर क्या कहना चाहेंगे कैसी किस प्रकार की शुभकामनाएं दे रहे हो आज. सबसे पहले सिराज भाई के जन्मदिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं है. सिराज भाई मजर भाई और पूरी फैमिली जो समाज के लिए कार्य करती है
ऐसा कार्यक्रम निरंतर हरदम व्यक्ति करते रहे, ऐसा मैं उनसे विनती करता हूँ और सिराज भाई के जन्मदिन पे फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सिराज जी शेख यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षी नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात आरोग्य शिबिर आणि विविध शिबिरांचे आयोजन करण्यात येतात। यावर्षी सुद्धा कामगार कल्याण मंडळामध्ये एक मोठं शिबिरचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। जनतेची सेवा एक उद्योगपती म्हणून कसं करता येईल हे चांगलं उदाहरण दरवर्षी सिराज भाई देत असतात। उद्योगपती असो किंवा राजकारणी असो किंवा कोणत्याही फील्डमध्ये व्यक्ती असो तो त्याच्या जनतेसाठी केलेल्या कामाबद्दलच ओळखला जातो आणि सिराज शेख यांची ओळख ही अशीच आहे जो जनतेचा कैवारी आहे। या शिबिराला नागरिकांनी मोठ्या संख्येत भाग घ्यावा आणि आमच्या सिराजभाईला आशीर्वाद म्हणून दीर्घायुचे आशीर्वाद नागरिकांनी द्यावे ही अपेक्षा करतो आणि त्यांना सगळ्यांना शुभेच्छा देतो, या सगळ्या टीमला शुभेच्छा देतो। जय हिंद जय भारत। सिराजभाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर आरोग्य शिविर रखा गया है, वो भी मुफ्त रखा गया है। और एक अच्छी प्रथा हमारे सिराजभाई ने शुरुआत की बीटीवी ग्रुप के माध्यम से कि अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर गरीबों की सेवा करना, आम जनता की सेवा करना, इसी प्रकार से बीटीबी ग्रुप के माध्यम से समाज की सेवा होते रहे, यही शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से एक बार सिराज भाई को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल भी शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें मेडिकल चेकअप वगैरह हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि इस शिविर का लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस शिविर के बारे में, ताकि वो भी जिनको नहीं पता उनको भी बताएं, ताकि वो भी इस शिविर का लाभ ले सके। और ये सब फ्री है, निःशुल्क है, तो इसका आप बहुत बहुत लाभ लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश शिंगणापुरे बोलता है आणि शिबिर खूप छान छान सुरू आहे तुमचं आणि माझी मी चष्म्यासाठी आलेलो आहे आणि मला चष्मा आता 16 तारखेला बोलवलेला आहे, तर मी 16 तारखेला येणार आहे। फ्रीमध्ये आहे, निःशुल्क बिलकुल, काही पैसे घेणार नाही आहे। सबसे पहले मैं सिराज भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। दुनिया में पैसे वाले बहुत है, लेकिन पैसे वाले होकर भी गरीबों के बारे में सोचने वाले बहुत बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ऐसे धर्मात्मा सिराज भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मैं ये दुआ दूंगा कि वो जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 10,000। आज जो काम वो कर रहे हैं वो काम पहली बार नहीं कर रहे, कई सालों से करते जा रहे हैं। इस बात से न सिर्फ खुदा, ईश्वर भी बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। हमारा देश उस दिशा में जा रहा है जब जाति धर्म पंथ संप्रदाय का कोई भी बैरियर अभी रहा नहीं है। अच्छे लोग सभी जगह मिल जाते हैं और अब तो मुझे बहुत खुशी होती है कि समाज सेवा करने की होड़ लग गई है। एक से एक अलग अलग तरीकों से लोग समाज सेवा में शामिल हो रहे हैं और इस बात को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि अपने छोटे से लेवल पे मैं भी समाज सेवा का कार्य कर रहा हूँ। मैं निःशुल्क में बच्चों को पढ़ाता हूँ।